जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है 2020-2021 के सेशन का। एडमिशन ओपन, विश्वविद्यालय का कांटेक्ट नंबर दे दे रहे हैं और वहां के जो टीचर हैं, जो प्रवेश समिति के सदस्य हैं, उनका भी यहां पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे आप देख सकते हैं। वहां के प्रोफेसर का मोबाइल नंबर है। अगर आपको फॉर्म भरने में अथवा फॉर्म डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं और इंटर पास कर चुके हैं और एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। यह फॉर्म केवल नए विद्यार्थियों के लिए ही निकला है। जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए हैं, और जो विश्वविद्यालय में पहले से पढ़ते हैं उनके लिए बाद में गाइडलाइन निकाला जाएगा परीक्षा होने के बाद। तो आइए देखते हैं, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश 210-204 यहाँ का पिन कोड है और प्रवेश फॉर्म यहाँ पे 2020 और 21 यहाँ पे देख सकते हैं आप आ चुका है। देखिए विश्वविद्यालय के लोगो है, ये यहाँ के आजीवन कुलाधिपति जी हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी। विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जुलाई 2001 को श्री राजनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आज राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं प्रवेश फॉर्म कैसे भरें, इसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। जैसे आपको लिखा है पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे BA, MA अथवा BEd क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद में नाम लिखेंगे, जो कॉलम दिख रहा है आपको इसमें कैपिटल लेटर नाम लिखना है आपको इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए AJAY, एक 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 स्पेस छोड़ देंगे, पिताजी का में लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड में है माताजी का नाम लिखना है हमें। यहाँ पे आपको पत्राचार का पता डालना है, यहाँ पे स्थाई पता। अगर आप एक ही पता है आपका, मान लीजिए स्थाई पता, तो किसी में से चाहे ये चाहे ये, चाहे पत्राचार का पता चाहे स्थाई पता डाल के आप एक डाल दीजिए दूसरे में डूकर। मान लीजिए स्थाई पता आपका यहाँ पे भर दिए पूरा, यहाँ पे डू कर दीजिए, यानी सेम इसी की तरह हमारा स्थाई पता भी है और पत्राचार। आगे आते हैं पांचवें बिंदु पे, यहाँ पे आपका जन्म तिथि लिखना होगा, मान लीजिए 15/9/2000। यहाँ पे डेट लिखना होगा, कितने साल के हुए, मान लीजिए 20 वर्ष के 2 माह 3 दिन, ये यहाँ पे भरना है। आप कौन से लिंग में आते हैं, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, जिसमें आते हैं उसको आप फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपको आठवें कैटेगरी में आना है, आप कौन से जाति में आते हैं, SC ST OBC अथवा आप सामान्य में जिसमें भी आते हो आप उसको फिल करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है। अब आता है 9वां पॉइंट 9 में, यहाँ पे राष्ट्रीयता लिखा है तो यहाँ पे आप भारतीय भर देंगे, भारतीय अथवा इंडियन आप यहाँ भर सकते हैं। 10वें टॉपिक में अगर बात करें तो आय आपको मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 5000 मंथ है। और नेक्स्ट टॉपिक में दिव्यांगता आपका कौन सा प्रकार है, 11 टॉपिक में हम देखेंगे दिव्यांगता, दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं अथवा अस्थि बाधित। दृष्टि बाधित में कौन सा दृष्टि बाधित है, पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हैं अथवा अल्प रूप से, यहाँ पे दर्शाएंगे। श्रवण बाधित आपका डेसिबल कितना है, मान लीजिए 40-50 जितना भी हो आप डालेंगे। अस्थि बाधित में कौन सा बाधित है, एक हाथ से, एक पैर से, दोनों हाथ से, दोनों पैर से अथवा अन्य, तो आपको जो होगा आपका विकलांगता यहाँ पे आप भरेंगे। 12 हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है विकलांगता का प्रतिशत,
तो यहाँ पे कितना है, मान लीजिए 80 है, जिसका 40 से ऊपर होना चाहिए आपका। दिव्यांगता आप जन्मजात है कि अर्जित है, मेरा तो अर्जित था तो अर्जित में ठीक करेंगे। और आपका दिव्यांगता मतलब कितने वर्ष की उम्र में हुआ, तो मेरा 3 वर्ष की उम्र में हुआ था, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे आपको। जितना टॉपिक ये महत्वपूर्ण होता है, से हाई स्कूल दिया गया है, इंटरमीडिएट, स्नातक एंड जो जो आपके पास डिग्री हो आप यहाँ पे भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता दिया है 14 में, तो मान लीजिए हाई स्कूल यूपी बोर्ड अथवा बिहार बोर्ड हो तो आप बिहार बोर्ड डाल दीजिएगा, जो भी बोर्ड हो आपका यहाँ डाल दीजिएगा। फिर विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ड्राइंग, जो जो हो आपका छोटे छोटे आप यहाँ पे भर दीजिएगा। कब पास किए हैं, मान लीजिए 2008 में, जब भी पास किए हो आप डाल दीजिए। रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मान लीजिए 14,35,754, तो यहाँ पे डालेंगे आप। अब नेक्स्ट आएंगे प्राप्तांक, कितना मिला है आपको, 600 में 420 मान लीजिए, कितना परसेंट बना, मान लीजिए 62%, तो ऐसे डालना है। और आपको नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, इंटरमीडिएट में बोर्ड यहाँ लिख देना है, विषय का नाम पूरा यहाँ लिख देना है, आप वर्ष किस वर्ष पास किए थे, और वो अनुक्रमांक नंबर कितना है, रोल नंबर आपका इंटर में कितना नंबर पाए हैं, कितना परसेंट यहाँ पे भर देना है। वैसे ही आपको सेम अगर बीए का सर्टिफिकेट बीए में ऐसे भर दीजिए, फिर अन्य कोई डिग्री लिए हो डिप्लोमा तो इसमें आप फिल कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे देखेंगे घोषणा, घोषणा में क्या दिया गया है, घोषणा में देखेंगे इसमें यहाँ पे दिया गया है, मतलब विद्यार्थी के द्वारा जो फॉर्म भरा गया है उसमें कोई भी अगर त्रुटि होती है सर्टिफिकेट में अथवा किसी फर्जीवाड़ा होता है तो विश्वविद्यालय उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसमें यही लिखा होगा, आप पढ़ लीजिएगा, घोषणा में यही लिखा रहता है। यहाँ पे आप स्थान भर देंगे, किस स्थान से आप फॉर्म भर के भेज रहे हैं, अपने गाँव का नाम डाल दीजिएगा जहाँ भी हो, यहाँ दिनांक डाल दीजिए, उसके बाद में यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर जो भी इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ पे जो प्रवेश संस्तुति होती है, जो काउंसलिंग करते हैं वो उनके लिए है, काउंसलिंग करेंगे अपना, पूरा आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होगा तो यहाँ से सब टिक करके और सिग्नेचर करके आगे वेरीफाई कर देंगे। आगे बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ पे दिया गया है छात्रावास की आवश्यकता है आपको, तो बिल्कुल आवश्यकता है, आप इतने दूर से आ रहे हैं तो छात्रावास नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे हाँ टिक करिएगा। वैसे जो रूम लेकर रहना चाहते हैं बाहर में वो नहीं भी टिक करेंगे, वैसे आप इस पर टिक करिएगा कि छात्रावास मिल जाएगा तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे जो बाहर चाहते हैं पढ़ने के लिए उनको छात्रावास मिल ही जाता है। अब नेक्स्ट आएंगे हम कुल सचिव कार्यालय के काम है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुल सचिव आपको यहाँ पे जो नामांकन संख्या मिलता है, जैसे JHU/15, जैसे मान लीजिए 20 चल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 20/4 नंबर कुछ दे देंगे 1, 2, 3, 4, तो यही आपका नामांकन संख्या होता है, ये मिल जाएगा तो आपको हमेशा आपके काम यहाँ है। आपका फॉर्म टोटली भर दिया गया है, इसके बाद आइए हम नियम जानते हैं, क्या क्या नियम है यहाँ पे एडमिशन। स्नातक मतलब यानी जो बीए वर्ग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है स्नातक। जैसे इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, संवर्ग 1, संवर्ग 2, संवर्ग 3, संवर्ग 4, तो इसमें आप देखिए क्या क्या है। पहले में देखते हैं संवर्ग 1 में योगा और अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योगा अर्थशास्त्र। 2 में है इतिहास, पुरातत्व एवं समाजशास्त्र। 3 में है चित्रकला, संगीत, गायन और वादन मनोविज्ञान। और नेक्स्ट में है 4 में हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य इसमें बताया गया है। विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं वहाँ पे सीट की संख्या कितनी है, तो आइए देख लेते हैं। बीए में बीए और स्नातक मतलब बीए एमए में यहाँ पे सीट की संख्या कितना है जानते हैं, आइए देखते हैं।
वैसे अगर देख ले एक से लेके अर्थशास्त्र तक, हिंदी से अर्थशास्त्र तक सामान्यतः देखा जाए तो बीए में 60 सीट होते हैं और एमए में 40 सीट होती हैं। उसके आगे अगर देखें तो मनोविज्ञान के बाद, मनोविज्ञान में बीए में 40, एमए में 30 सीट और चित्रकला में 20 सीट बीए में, 10 सीट एमए में। और उसके बाद देखें संगीत में, संगीत में यहाँ पे कम सीट है, 15 बीए में सीट है और एमए में भी निर्धारित नहीं है लेकिन एमए में भी है यहाँ पे। और संगीत वादन में, वादन में बीए में 15 है, एमए में भी निर्धारित नहीं है। योगा में, योगा में बीए में बीए का होता ही नहीं है योगा, ये केवल डिप्लोमा होता है, तो इसीलिए एमए में 50 सीट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम। अगर आप कोई व्यवसाय से संबंधित कोर्स करना चाहते हैं जिसे करने के बाद आपको रोज़गार तुरंत मिल जाए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे बीपीए, बीपीए में आप देख सकते हैं इसमें गायन एवं वादन, तबला बजाना सिखाया जाता है, गायन वादन दोनों होता है। इसमें आप 10+2 पास होना चाहिए और 3 वर्ष की ये कोर्स है और योग्यता के आधार पर आपके यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बीएफए, बीएफए कहें यहाँ पे सीट की संख्या 20 है, 4 वर्ष का कोर्स है ये और 10+2। इसमें आपको चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंटिंग, व्यवहारिक कला, टेक्सटाइल, ये सब कला इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, आप ये सब सिखाया जाएगा। 10+2 के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बीएफए, इसमें 40 सीट है, 10+2 के बाद आप आ सकते हैं, 3 वर्ष का ये कोर्स है और साक्षात्कार के आधार पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। अब आ गया बीसीए, बीसीए कंप्यूटर संबंधित कोर्स होता है, 3 वर्ष का है, 50 सीट है और इसके बाद 10+2 के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एमएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू की बात करें अगर इसको आप कर लेते हैं तो किसी भी एनजीओ में आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे 30 सीट है, 2 वर्ष की अवधि होती है और आप इसे किसी भी मतलब स्नातक के बाद आप इसको कर सकते हैं, बीए करना चाहिए उसके बाद, बीए करने के बाद ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद आता है एमएफए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, इसमें 15 सीट है, आप देख सकते हैं 2 वर्ष की अवधि होती है सीखने के लिए और आपको इसमें बीएफए करना होता है, बीएफए करने के बाद ही इसमें एडमिशन मिल पाएगा, आपकी योग्यता बीएफए में। उसके बाद में एमबीए, एमबीए की बात करें तो इसमें 30 सीट होती हैं, 2 वर्ष तक एमबीए कराया जाता है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक बीए करके आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन आपके एमबीए में आसानी से हो जाएगा। ये बिजनेस संबंधित कोर्स है, इसको कर लेंगे तो आसानी से कहीं भी जॉब लग सकता है। अब आइए बात करते हैं एमसीए, एमसीए की बात करें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 वर्ष की अवधि होता है, 2 वर्ष का होता है, 30 सीट है यहाँ पे, आप अगर किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक के किसी भी क्षेत्र में प्रवीणता के साक्षात्कार के आधार पर बीए किए हों और यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एमपीए, एमपीए इसमें गायन वादन तबला भी एमपीओ कहते हैं, इसमें मास्टर डिग्री है ये और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी म्यूज, बीपीए या उसके समतुल्य बीए संगीत प्रभाकर, कोई भी डिग्री आप लिए हों तो उसके आधार पे इस यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा और 10 सीट है, 2 वर्ष का ये कोर्स है। इस टॉपिक में ये डिप्लोमा का कोर्स है, इसमें जितने भी आप डिप्लोमा करना चाहते हैं यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा में देख लेते हैं क्या क्या है, डीसीए है, 20 सीट है, 10+2, 1 वर्ष की अवधि होती है, उसके बाद में वर्ड, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग एवं डाटा एंट्री प्रोग्राम, 20 सीट है, 10+2 और योग्यता 1 वर्ष का वो होता है, योग्यता 10+2, यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा एडमिशन। अब नेक्स्ट है तीसरा
कंप्यूटर प्रोग्राम एवं एमएस ऑफिस केवल दृष्टि बाधित के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं योग्यता की बात करें तो 10+2 और 20 सीट है, एक वर्ष का ये कोर्स है। और पीजीडीसीए की अगर बात करें तो इसमें 40 सीट है, स्नातक आप करके आना चाहिए, बीए के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, एक वर्ष का ये कोर्स है। उसके बाद योगा में पीजी डिप्लोमा इसमें 30 सीट है, आप बीए करना चाहिए, बीए के बाद ही इसमें एडमिशन होगा, एक वर्ष का ये डिप्लोमा कोर्स है। काउंसलिंग कार्यक्रम देख लीजिए ऊपर, काउंसलिंग कार्यक्रम वो होता है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट अगर आपका सही हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया तो आपका एडमिशन यहाँ पे कर लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या बताया गया है, यहाँ पे बीए, एमए और सब्जेक्ट एमएसडब्ल्यू, एमएफए जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, और जैसे बीसीए, बीबीए, बीएफए, एमयूज, ये सब प्रोफेशनल कोर्स हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमने बताया आल डिप्लोमा, जितने भी डिप्लोमा है सभी में यहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है। तो काउंसलिंग का डेट देख लीजिए, 1 अगस्त से लेके यहाँ पे 30 अगस्त डेट दिया गया है, लास्ट डेट है। ये डेट बढ़ता भी है, कोरोना महामारी है तो डेट और भी बढ़ेगा, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो 30 अगस्त तक आप किसी तरह फॉर्म भर के और उनके एड्रेस पे भेज दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे एडमिशन होता है, छुट्टी का दिन छोड़ दीजिएगा, संडे अथवा कोई भी त्यौहार आ जाता है उस डेट को छोड़ के 11 से 4 बजे तक यहाँ पे काउंसलिंग चलता रहेगा। अगर आप चाहें तो वहाँ डायरेक्ट भी जाके विश्वविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। प्रोसेस ये चल रहा है कि आप फॉर्म भर के उनके एड्रेस पे भेज दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, पाठ्यक्रम संख्या 1 से 4 तक ₹500, मैंने आपको बता ही दिया। देखिए जो बीएड होता है, बीएड, स्पेशल बीएड, एमएड, इसके लिए जो आपको वहाँ पे देना पड़ता है ₹500 फॉर्म भरने के लिए। और आप अगर बीए, एमए अथवा ये सब कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए ₹200 शुल्क रखा गया है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कहेंगे सर तो पुराना फॉर्म दे दिए हैं, वास्तव में ये पुराना फॉर्म है, और जो नया फॉर्म अगर आप जाएंगे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का आप नाम भी देख सकते हैं, www.jrhu.com। इस पे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा खुल जाएगा, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। और इसके लिए आप चिंता मत करिए कि 30 यहाँ पे ये पुराना फॉर्म है, आप चिंता कर रहे होंगे 30 जुलाई तक है जो ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल गलत है, अभी इसका डेट बढ़ा दिया गया है। तो आप आसानी से जाइए और यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या आपका मतलब योग्यता होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, दूसरे पे है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, उसमें आपका विकलांगता परसेंट 40% से ऊपर होना चाहिए, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट का यहाँ पे प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटरमीडिएट का वही है अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर बीए का अंक पत्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छठवां टॉपिक। यहाँ पे आप देख लीजिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र और ऑब्लिक करके दिया है प्रवर्जन प्रमाण पत्र। अगर आप यूपी से आते हैं तो आपके पास टीसी होगा, कहते हैं जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। और आप अदर स्टेट चाहते हैं तो आपके पास माइग्रेशन, अगर आप यूपी से आते हैं तो आपके पास टीसी होना चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए, जिसको हम प्रवर्जन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी और माइग्रेशन को कहते हैं प्रवर्जन प्रमाण पत्र, तो ये आपके पास होना चाहिए, जो इंटर का जब एग्ज़ाम देते हैं उसके साथ ही आज के समय में आ जाता है माइग्रेशन। उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप आय जाति निवास भी बनवा लीजिए एक ही साथ,
कि आपका अधिक समय तक काम आए। वहाँ आप देख लेंगे सबसे नीचे 9वें पॉइंट पे आपके पास 4 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होना चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक सुझाव दे दूँ, 4 नहीं, आप 5 फ़ोटो पासपोर्ट साइज और 5 विकलांगता संबंधित फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, जिससे भविष्य में बहुत काम आता है। काउंसलिंग के समय उपयुक्त सभी प्रपत्रों की मूल प्रति साथ में अवश्य लाएं, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कहा जा रहा है आपको पूरे जो यहाँ पे दिया गया है 1x1 सभी का ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ले जाइएगा और सभी का फ़ोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, 2-2 प्रति करा लीजिएगा। मान लीजिए कहीं काम आवश्यकता पड़ गया, सबका वैसे 1-1 प्रति लगता है, लेकिन 2-2 प्रति आप करवा दीजिएगा। दोस्तों, ये सीरीज हमारा आपको कैसा लगा, अपने सुझाव में हमें कमेंट जरूर। हमारा यह सीरीज आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे नए दिव्यांग छात्र जो हैं इंटर पास कर चुके हैं यहाँ पे आके एडमिशन लें और अपना भविष्य। आप नए दर्शक हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।